नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के नए एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एलजी के तौर पर शपथ ले ली है। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के 22वें एलजी के तौर पर अब दिल्ली में अपनी सेवाएं देंगे। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह में बवाल भी हुआ। जी हां, दिल्ली के नए एलजी विनय कुमार सक्सेना के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन नाराज होकर लौट गए। और जब लौट रहे थे उस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सर क्या बात हो गई, तो उन्होंने कहा कि सांसदों के लिए एक सीट तक का इंतजाम नहीं है। क्या कुछ कहा डॉक्टर हर्षवर्धन ने वो सुनिए। व्हाट हैपेंड सर, पार्लियामेंट मेंबर्स तक के लिए एक सीट इन्होंने नहीं रखी। तो डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान आपको सुनवाया और काफी नाराज वो दिख रहे थे जब वो वापस लौट रहे थे एलजी के शपथ ग्रहण समारोह से। लेकिन खबरें ये आई कि जिस जगह पर डॉक्टर हर्षवर्धन को बैठाया जा रहा था वो उससे नाराज थे, उससे संतुष्ट नहीं थे, और इस वजह से वो शपथ ग्रहण समारोह के बीच से ही नाराज होकर वापस लौट गए। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये कहा कि जिस तरह की खबरें मीडिया में चल रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, दरअसल उनमें कोई सच्चाई नहीं है। और उसको लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कई ट्वीट किए। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनाते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करते हुए लिखा, मीडिया में गलत रिपोर्टिंग की जा रही है कि मनपसंद सीट नहीं मिलने के कारण उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह से चला गया। एक अधिकारी ने मुझे जहां बैठाया वहां बैठ गया, दूसरे अधिकारी ने सीट रिजर्व बताकर उठा दिया तो उठ गया, 15 मिनट इंतजार किया कि कहीं सीट दी जाएगी, नहीं दी तो लौट आया। दूसरा ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, बहुत अफसोस है कि मैं जिस दिल्ली का सांसद हूँ और जहाँ सार्वजनिक जीवन भर सक्रिय रहा, वहाँ के नए उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो सका। नए उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की जनता को बहुत बधाई। निश्चय ही आपके कार्यकाल में दिल्ली सर्वोत्तम शहर बनकर उभरेगी। तो जिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा था कि डॉक्टर हर्षवर्धन अपनी मनपसंद सीट ना मिल पाने की वजह से उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह से नाराज होकर लौटे, उन तमाम खबरों को खारिज करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये तमाम ट्वीट किए। लेकिन सच्चाई ये है कि डॉक्टर हर्षवर्धन नए एलजी, नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के शपथ ग्रहण समारोह से नाराज होकर लौट आए थे। और लौटते वक्त उन्होंने कहा था कि सांसदों के लिए एक सीट तक का इंतजाम नहीं किया गया। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।